अमावस्या के दिन हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है। शिव महापुराण की कथा करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही, उतने की उतना ही, बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज। बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष की प्रदोष, कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए आधा घंटा पानी में। जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए महाराज। उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए, उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ होगा, स्वस्थ हो। औषधि कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए और बछड़े के मुख पर जो फेन आए, उस फेन को अमावस्या के दिन दोपहर में 12 बजे चम्मच में लेकर जो बच्चा चिड़चिड़ करता हो या पढ़ाई में मन नहीं लगता हो या दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो, डॉक्टर के इसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही है, उस बच्चे को 2 या 3 अमावस्या गाय जब बछड़े को दूध पिलाए, बछड़े के मुंह पर जो फेन आता है वो फेन उस बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चा विद्वान होता है, उसका विवेक काम करना प्रबल हो जाता है। जिसके शरीर पर सफ़ेद दाग पड़ गए हों, चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी सफ़ेद पड़ गई हो, पूर्णिमा के दिन गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए उस बछड़े का मुख में जो फेन आए उसको निकाल लीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे शरीर में जहाँ जहाँ पर सफ़ेद दाग पड़ गए हों, चमड़ी सफ़ेद हो गई हो, उस जगह पर लगा लीजिए। चंद्रमा की रोशनी में कम से कम आधा घंटा बैठ जाइए और बैठने के बाद में उसके बाद में फिर स्नान कर लीजिए। 2 या 3 पूर्णिमा उस फेन का प्रयोग कर देखिए, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है महाराज। माता गौ माता के दूध में और बछड़ा जब दूध पान करता है पीता है उसमें जो बल उत्पन्न होता है वो बल की परिभाषा कहीं वर्णित नहीं हो सकती, उसका सुखी दूस आप उसको अपने जीवन में उतार सकते, आप उसको अपने जीवन में रख सकते, सार्थकता उत्पन्न